शुक्रिया आप सभी को मेरा गुड इवनिंग। अभी 7 बजे हैं और मैं अभी टहल भी रहा हूँ। ठंडा ठंडा हो रहा है, बाकी आज मौसम थोड़ा अच्छा लग रहा है। लग रहा है कि बारिश आएगा तो आपको पक्का दिखाऊंगा, ठीक है। बाकी दोस्तों देखो, मेरा दोस्त अभी आ रहा है ड्यूटी से, अभी आ रहा है, ड्यूटी से अभी आ रहा है। मेरा 10 बजे है, ये भी आ रहा है। गर्मी से भीगा है, नहीं भीगा है, और ठंडा थोड़ा। देखो यहाँ, ये देखो पूरा, देखो ये भीग के, देखा पूरा भीग रहा है, पूरा ऐसा लग रहा है जो भिगा के लाया, नहाया है और धोया है। और बाकी देखो मौसम अभी दिख नहीं रहा होगा आपको, लेकिन बादल लगा हुआ है और खुशी हो रही है अंदर से कि अगर बारिश आएगा तो काफ़ी अच्छी नींद भी आएगी और ड्यूटी करने में आसानी भी होगा। नहीं तो बुरा हाल हो रहा है, क्योंकि कभी कभी रात को लाइट चला जाता है जैसे 10 बजे 1 बजे, तो फिर बिस्तर में बिल्कुल भी रहने का मन नहीं करता है। आप तो अब रह नहीं पाएंगे, क्योंकि इतना पसीना होता है, आप जिस तरफ लेटेंगे उसी तरफ पूरा भीग जाएगा पसीने से, ठीक है। तो उसके बाद बाहर आना पड़ता है, पागल तरफ घूमना पड़ता है, ठीक। और जब लाइट आएगी तब आप सोएंगे, ऐसा हाल हो रखा है यहाँ पर। ये हमारे बैरिक हैं यहाँ पर, तो काफ़ी गर्मी यहाँ पर होती है, और जब आपका लाइट आएगा तब ड्यूटी टाइम हो जाएगा। तो ये हाल चल रहा है, बस सो नहीं पाओगे अगर लाइट चला गया रात को, तो ये हाल है दोस्तों। और बाकी मौसम अभी थोड़ा ठीक हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि बारिश आएगा। होली शंकर से कहता हूँ कि बारिश आना चाहिए, भगवान थोड़ा राहत मिलेगी, क्योंकि इतनी गर्मी में सहन करना मुश्किल है, ड्यूटी भी करना है और गर्मी में फिर और नींद भी निकालनी है, कैसे होगा। जो फैन है ना, फैन भी इतने गर्म हो गए हैं कि गर्म हवा फेंक रहे हैं, ठीक है, फैन भी काम नहीं कर रहे हैं। अपना पर्सनल फ़ैन है, फिर और सरकारी फ़ैन है, फिर वो भी काम नहीं कर रहा, बिस्तर पूरा गर्म हो जा रहा है, जैसे कि हमने धूप में डाला बिस्तर, ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो बाकी अब जब बारिश आएगा ना, तो अब आपको दिखाऊँगा आता कि नहीं बारिश। और बाकी दोस्तों शाम का खाना खा लिया, क्योंकि हमें ना शाम का खाना 6 बजे ही मिल जाता है, क्योंकि ड्यूटी रहती है, तो अगर 6 बजे मिलेगा तो 7 बजे जो ड्यूटी चढ़ता है तो आसानी चढ़ पाएगा। और 6 बजे खाना यानी डिनर आ जाता है, सुबह 6 बजे हमारा ब्रेकफास्ट आ जाता है, और लंच आता है हमारा 10:30 बजे। उसके बाद आप जितने बजे खाओ आपकी मर्ज़ी है, आपकी ड्यूटी नहीं आप 12 बजे खाओ, अगर आपकी ड्यूटी है तो 10-11 बजे खाओ, तो आपकी मर्ज़ी, हम रख लेते हैं खाना लेके, ठीक है, बर्तन में, और सभी लोग फिर खा लेते हैं। आपको लेट खाना, लेट खाइए अगर ड्यूटी नहीं है तो, लेकिन खाना टाइमली मिल जाता है। तो बाकी दोस्तों, और ये जामुन का पेड़ है, देखो अभी जामुन लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे ना क्या ना लंगूर इतने हैं कि जामुन ख़त्म कर देंगे। अभी पक रहे हैं, तो जैसे जब तक ख़त्म नहीं होगा ये, तब तक लंगूर ये और पूरा तोड़ ताड़ के फेंक देते हैं। जैसे आम का पेड़ देख रहे हो आप, कई आम थे यहाँ पे, इतने आम थे कि लंगूर ने सब आम बर्बाद कर दिए। थोड़ा बहुत हमने रख के पकाया। और बताओ आप लोग कैसे हैं, आप लोग के यहाँ गर्मी कितनी हो रही है आप लोग ज़रूर बताइएगा। और हमारे इधर तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है, यूपी में अभी 44 डिग्री सेल्सियस तापमान चल रहा है, ठीक है। देख रहे हो मैं ऐसे बंटी में आया हूँ, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, तो ड्यूटी में ये भी पूरा भीग जाता है, जो दोस्तों ने दिखाया तो ये भीग जाता है पूरा, पता है। तो बाकी अभी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, कितना मज़ा आ रहा है, अभी अच्छा लग रहा है। और बाकी देखो एक और आया ड्यूटी से, कभी गर्मी से बुरा हाल हो रखा होगा, अंदर से ना पूरी गंजी भीग जा रही है, ठीक है। तो लग रहा है कि मुझे तो दिल्ली ना, दिल्ली का रिकॉर्ड थोड़ा, दिल्ली में 38 दिखा रहा है, 44 दिखा रहा है डिग्री और तापमान, पारा इतना हाई चढ़ गया है। और दोस्तों बाकी मैं आपको दिखाऊंगा जब भी ना यहाँ पे बारिश आएगा, आज बारिश आएगा रात को, लग रहा है मेरा ड्यूटी भी 10 बजे आएगा, काफ़ी अच्छा मज़ा आ जाएगा, ठीक है। जैन भाई बोलता हूँ, सलाम करता हूँ जो लोग इस गर्मी में यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं, ठीक है, इतनी गर्मी में, और जो लोग यहाँ पे कोर्स कर रहे हैं, जो प्रोफेशनल कोर्स होते हैं ना, वो लोग भी यहाँ पे कर रहे हैं। साहब लोग भी आए हैं प्रोफेशनल कोर्स के लिए, प्लाटून कमांडर के लिए, तो उनका क्या हाल होता होगा इस गर्मी में, क्योंकि फौज में क्या होता है ना, जो कलाई चलती है, धूप हो या पानी हो या छाँव हो कुछ हो, वो चलेगा ही चलेगा, भले कुछ भी हो तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। हम लोग जब ड्यूटी कर रहे हैं तब भी हमारा बुरा हाल हो रहा है गर्मी से, जो लोग यहाँ पे कोर्स कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनका क्या हाल होगा। कि फौज में ऐसा तो नहीं है कि जैसे सिविल की तरह कि आज बारिश से यार मत जाओ,
आज बारिश है, आज धूप ज़्यादा है, तो आज मत करो, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल क्लासेस चलेगी तो प्रॉपर चलेगी, भले धूप हो कुछ हो, हमको जो ग्राउंड लेवल में काम करना पड़ेगा, ड्रिल करना पड़ेगा, बहुत सारी एक्टिविटी करनी पड़ेगी, ऑप्टिकल करने पड़ेंगे, तो अगर बारिश हो या धूप हो करना ही करना है, मतलब ये वाली बात है। ठीक है, तो वो लोग कैसे करेंगे, मैं तो उनको सलाम करता हूँ, क्योंकि हम लोग देखते हैं ना, हम ड्यूटी पर देखते हैं आते जाते, और अभी ग्राउंड है तो बाबरी आते हैं ना तो पसीने के तत्पर हो जाते हैं। ठीक है, अब बाकी फौज में बड़ा मज़ा है, बढ़िया है, खाना टाइम से सोना सब कुछ बढ़िया है, और आप लोग ज़्यादा मेहनत करिए दोस्तों। ठीक है, मैं तो यही बोलूँगा आप लोगों को, बाकी तो यार परेशानी कहाँ नहीं होती, बताओ लेबर को भी वही परेशानी है, हर क्षेत्र में हर नौकरी में आपको परेशानी लगेगी।